अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो दो टॉपिक्स है, छोटा सा आज लेक्चर है, कोई लंबा खासा नहीं है। इन्फेक्शंस इन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। या हमने क्या इसमें क्या रट्टा सिस्टम है, रट्टा सिस्टम है, इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं। कि वो कहता है पैथोजेन कौन सा है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ पर ज़्यादा एक्ट करेगा, कौन कौन से बैक्टीरिया? अगर टी सेल्स कम होंगे तो कौन सा बैक्टीरिया एक्ट करेगा, बी सेल कम होंगे तो कौन से बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स जो टाइप्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स वो, या कम्प्लीमेंट सिस्टम कम पड़ जाए तो कौन कौन से बैक्टीरिया एक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा फार्मूला याद करने है तो रट्टा सिस्टम, लेकिन याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। मैंने कहा था टीवी याद है, बल्कि टीवी से पहले बीबी याद है, बीबी, कि अगर बी सेल्स की डेफिशिएंसी हो, बी सेल्स में प्रॉब्लम हो तो कौन से इन्फेक्शन होंगे हमें, बैक्टीरिया के। याद है अगर बी सेल्स की डेफिशिएंसी होंगी तो हमें इन्फेक्शन किस चीज के होंगे, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होंगे। तो यहां पर देख ले कि टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, अब लाजमी नहीं है, अब लाजमी नहीं है कि बी सेल्स की डेफिशिएंसी तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होंगे, या सिर्फ बी सेल्स की डेफिशिएंसी में ही बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होंगे, ये लाजमी नहीं है। टी सेल्स की डेफिशिएंसी में भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस में। देखिए एक ही है सेप्सिस, एक ही है बस। लेकिन बी सेल की डेफिशिएंसी में देखें, ये देखें सारे बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। फिर आपने इनके नाम कैसे याद रखने हैं, ये शाइन से, प्लीज शाइन माई स्काइज, तो इससे आपने ये नाम याद रखने हैं। पी से हो गया ज़िडोनोमास, तो ये आपने नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। रट्टा सिस्टम है, बट ये देख लें अगर आपको एग्जाम आया है वहां पर उसने कोई नाम दे दिया बैक्टीरिया का, वो कहता है ये वाली डिजीज हुई पड़ी है, कौन से सेल्स की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि आपको पता है ये जो नाम है बैक्टीरिया का है, इतना तो सबको पता होता है कि नाम बैक्टीरिया का है या फिर वायरस का है। तो उसने कहा कि नाइजीरिया है, आपने कहा नाइजीरिया तो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो मतलब कौन से सेल्स की डेफिशिएंसी होगी, बी सेल्स की डेफिशिएंसी होगी। तो इस तरह आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है, बी बी से, कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बी सेल्स की डेफिशिएंसी। बाकी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रेनुलोसाइट्स की अगर डेफिशिएंसी हो तो उस सूरत में भी हो सकते हैं, लेकिन कम होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं। और अगर कंप्लीमेंट सिस्टम की डेफिशिएंसी हो तो तब भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होंगे, लेकिन सिर्फ जे वाले होंगे, ठीक है। बाकी ये रट्टा सिस्टम आपने याद करने का सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या था वो, क्या था, बी बी, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, वायरसेस एंड फंगस, इसके लिए एक फार्मूला देख लें। टीवी, टीवी फॉर फन, टीवी को हम फन के लिए देखते हैं ना, टीवी को हम फन के लिए देखते हैं। टी से हो गया टी सेल्स की डेफिशिएंसी, अगर टी सेल्स की डेफिशिएंसी होगी तो हमें वायरल इन्फेक्शन होंगे, कौन से, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होंगे, फन से फंगल, फन से फंगल, फन से फंगल। तो अगर हमें टी सेल्स की डेफिशिएंसी है तो हमें कौन कौन से होंगे, टी सेल्स की डेफिशिएंसी के साथ वायरल इन्फेक्शन होंगे और फंगल इन्फेक्शन होंगे। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है किसी फंजाई की वजह से, या फिर आपको किसी वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, कौन से सेल्स की डेफिशिएंसी होगी, टी सेल्स की डेफिशिएंसी होगी। ये देखने यहां पर हम देखते हैं, ये पोलियो वायरस, वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन है, तो कौन से सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही होगी, बी। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस का मतलब ये है कि सिर्फ टी सेल्स की डेफिशिएंसी होगी, उसमें बी सेल्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली किसकी होगी, टी सेल्स की। अब हमें यहाँ पर कोई भी वायरस हमें दिखाई दिया है, जीआई वायरसेस, तो हमने कहा कि अगर वायरस की डेफिशिएंसी है तो टी सेल्स इन्फेक्ट होंगे। इसी तरह अगर आपके फंजाई की डेफिशिएंसी है, कैंडिडा है, तो हम कहेंगे ये क्या है, किसकी है, टी सेल्स की। नॉट मच इंपॉर्टेंट, मैं बस याद करने का आपको तरीका बता रहा था, नॉट मच इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आसान से है, आसान तो नहीं है, रट्टा सिस्टम है, ठीक है। बस ये याद रखें कि अगर बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो बी सेल्स की डेफिशिएंसी, वायरस और फंजाई आ रहे हैं तो टी सेल्स की डेफिशिएंसी, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीजें थी। बाकी ये देखिए नोट, बी सेल डेफिशिएंसी टेंड टू प्रोड्यूस रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बी बी, वेयरएज टी सेल डेफिशिएंसी प्रोड्यूस मोर फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन, तो टीवी फॉर फन, ठीक है, टीवी फॉर फन। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बस ये नोट आपने याद रखना है, ऊपर वाला रहा याद करने की जरूरत नहीं है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। ये देख ले ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस, कि हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, इसको जरा देख ले। इसकी तीन टाइप्स हैं, सबसे पहले हैपर एक्यूट रिजेक्शन, तो हैपर एक्यूट रिजेक्शन एक होता है एक्यूट, एक होता है हैपर एक्यूट, पहला
पहले हैपर एक्यूट, फिर एक्यूट, फिर क्रोनिक होता है। अब हैपर एक्यूट क्या होता है? विद इन द मिनट्स होता है, यानी कि बहुत ही कम अरसे में होता है। हैपर उससे कुछ ज्यादा अरसे में होगा और क्रोनिक उससे भी ज्यादा अरसे में होगा। इसमें क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट एंटीबॉडीज रिएक्ट टू डोनर एंटीजन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी शो होगी। कैसे होती है कि प्री प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, कौन सी? टाइप 2 में, टाइप 2 बता रहा है ना, टाइप 2 में याद करें कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी? IgG एंड IgM, लेकिन हमने कहा था मोस्टली कौन सी इन्वॉल्व होती है? IgG। और हमने कहा था यहां पर जो एंटीबॉडी होती है क्या होती है? फ्री होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? फ्री। लेकिन एंटीजन क्या होती है? फिक्स होती है। याद आ रहा थोड़ा थोड़ा सिग्नल, थोड़ा आ रहा याद कि टाइप 2 में हमने जब पढ़ा था हमने कहा था वहां पर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgG होती है और वो क्या होती है? फ्रीली मूविंग होती है। और एंटीबॉडी क्या होती है? फिक्स होती है। लेकिन यहां पर सवाल ये बनता है कि एंटीबॉडी कहां से आती है और आपकी एंटीजन कहां से आती है? वो कहते हैं जो एंटीबॉडी होती है वो प्री एग्जिस्टिंग होती है, पहले से बनी हुई होती है, प्री फॉर्म्ड होती है। और किसकी होती है? रेसिपिएंट की होती है। किसकी होती है? रेसिपिएंट एंटीबॉडीज। तो जिसको हमने ट्रांसप्लांट दिया है, जिसके अंदर हमने ट्रांसप्लांट किया है, जिसको हमने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसके अंदर किया है, जो होस्ट है, जो क्या है? होस्ट है, जो रेसिपिएंट है, उसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज IgG या फिर IgM होगी। ठीक है, अब ये रिएक्ट किसको करेंगी? डोनर एंटीजन को। किसको? डोनर को। अब जो हमने जहां से दिया है, जिसने दिया है डोनर एंटीजन, लेट्स सपोज दैट कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है। क्या किया है? किडनी ट्रांसप्लांट। अब जो रेसिपिएंट था, जो होस्ट था, उसके अंदर पहले से क्या बनी हुई थी? IgG एंटीबॉडीज बनी हुई थी। अब हमने उसको किडनी ट्रांसप्लांट किया, जब किडनी देंगे तो डोनर का जो किडनी है वो किडनी के जो एंटीजन है, जो किडनी के सेल्स हैं, जो किडनी के टिश्यूज हैं, उनको एज ए एंटीजन लेगा। कौन? ये वाली एंटीबॉडीज जो पहले से बनी हुई है, इनको क्या लेंगी? एज ए एंटीजन लेगी। अब ये एंटीजन तो फिक्स है इस किडनी के सेल्स के ऊपर, फिक्स है ना, ये ऐसे फिक्स है। तो क्या हो गए? हमारी ये एंटीबॉडीज मूव करेंगी। कौन सी एंटीबॉडीज? ये वाली जो बनी हुई है, ये जाकर इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएंगी। टाइप 2 की तरफ मैं जा रहा हूँ, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। और ये कनेक्ट हो जाएंगी किस रीजन के जरिए? फैब रीजन के जरिए। याद है, फैब रीजन के जरिए एंटीजन के साथ जाके फिक्स हो जाएंगी। हमजा याद आ रहा है? अच्छा, पीछे कौन सा रीजन होता है? एफसी रीजन। अब इस एफसी रीजन पे याद करें टाइप 2 में क्या आके लगता था? या तो कंप्लीमेंट सिस्टम, या मैक्रोफेज, या नेचुरल किलर सेल, ये आके लगेंगे। जब ये एफसी पोर्शन पे आके लगते हैं, इधर इधर आके लगते हैं, तो ये क्या हो जाते थे? एक्टिव। क्या हो जाते थे? एक्टिव। और जब ये एक्टिव होते हैं तो फिर ये इसकी क्या कर देते थे? डिस्ट्रक्शन। याद है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो जाती थी और ये आपके किडनी के सेल्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इस तरह जो हमने उसको ट्रांसप्लांट किया है, जो ऑर्गन उसको दिया है, उसको क्या हो गया? रिजेक्शन हो गई। लेकिन किसके जरिए? हैपर एक्यूट रिजेक्शन हुई है, विद इन द मिनट्स हुई है। कि हमने क्या किया है, मैं रिपीट करता हूँ इसको, हमने क्या किया है? हमने किडनी लिया है एक डोनर का। क्या लिया? किडनी। वो हमने एक होस्ट के अंदर क्या कर दिया है? ट्रांसप्लांट कर दिया। जैसे ही हमने ट्रांसप्लांट किया तो जो होस्ट था, जो रेसिपिएंट था, उसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीजन एंटीबॉडीज पड़ी हुई थी, IgG पड़ी हुई थी, वो पहले से बनी हुई थी। अब हमने ट्रांसप्लांट क्या किया है? किडनी किया है। अब किडनी के ऊपर जो एंटीजन थी, हमारी बॉडी ने जो होस्ट था उसने उन एंटीबॉडी जो उनके ऊपर जो एंटीजन थी उनको एज ए फॉरन एंटीजन लिया कि ये हार्मफुल है, और उनके ऊपर जाके, क्योंकि वो एंटीजन किसके ऊपर लगी हुई थी? किडनी के सेल्स टिश्यूज के ऊपर लगी हुई थी, जाके उनके ऊपर बाइंड कर गई फैब रीजन के जरिए, और पीछे एफ रीजन के ऊपर आपका कंप्लीमेंट सिस्टम, मैक्रोफेज या फिर नेचुरल किलर सेल्स आके लगे और वो क्या हो गए? एक्टिव। और इन किडनी के सेल्स में क्या कर दी? इन्फ्लेमेशन कर दी। तो इस तरह क्या हो गई है? रिजेक्शन हो गई है। समझ आ गया? मैं किसी और तरीके से भी समझा सकता हूँ अगर समझ आ गया। आ गया समझ? पक्की बात है डॉक्टर यान? वेल डन गुड डॉक्टर मुस्तफा। आ गया समझ, या मैं किसी और तरीके से उसको समझाऊं? पक्की बात है? एक सवाल पूछ लूं मैं? हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, ये मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि जो एंटीबॉडीज है ये प्री फॉर्म्ड है, प्री एग्जिस्टिंग है। ये कैसे प्री एग्जिस्टिंग, प्री फॉर्म्ड? उसको कोई ऊपर से कोई क्या हुआ था, उसको पहले पता चल गया था कि ये आने वाला है, मैं इसके लिए पहले से बना के रखूं? पहले कैसे होती है, ब्लड में कैसे आ जाती है?
इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन किस सूरत में? कि पहले से कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुए पड़े, पहले से हमने कोई, पहले से कोई ट्रांसप्लांट किया हुआ था उसका, हमने पहले ट्रांसप्लांट किया हुआ था या हमने पहले उसको ब्लड दिया हुआ था, उन एंटीजन के खिलाफ क्या बनी हुई थी एंटीबॉडीज, जो कि मेमोरी एंटीबॉडीज थी, और वो यहां पे जिंदा थी। तो जैसे ही उसने देखा दोबारा उनको, तो उनके ऊपर जाके क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो ये बात समझ आ गई है, मैं समझा पाया हूं डॉक्टर हमजा, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ पे सफर करके आते हैं, मुझे बता दिया करें, ठीक है? हाँ डॉक्टर जवेरिया, वेरी गुड क्वेश्चन, बट हम बात कर रहे हैं मखसूस एंटीजन की, वो वाली आईजीजी एंटीजन जो सिर्फ इन एंटीजन के खिलाफ एक्ट करेंगी, जो एंटीजन हमारे डोनर के पास है। ऑफ कोर्स किसी और वजह से बन सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बनेगी ना, किसी और वजह से बनेगी तो वो किसी और के लिए होंगी, इनके लिए बनेगी तो इनके लिए स्पेसिफिक होंगी, ब्लड ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से होंगी या फिर हमने कोई ट्रांसप्लांट किया तो उसकी वजह से होंगी। हाँ, इसी वजह से कि जो भी उसके अंदर जो खराबी है वो सारी, ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं, और ये हाइपर एक्यूट है तो विद इन द मिनट्स होती है, विद इन द मिनट्स होती है, ठीक है। अगर समझ नहीं आई तो मैं बार बार पूछ रहा हूं, मुझे रिस्पॉन्स करें, मैं दोबारा समझा दू। डॉक्टर जुबैर, आ गया समझ? चलें जी, प्री एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट एंटीबॉडीज रिएक्ट टू डोनर एंटीजन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी इसमें होती है, ये बात आप याद रख लें, एंड एक्टिवेट द कंप्लीमेंट सिस्टम, वही कंप्लीमेंट सिस्टम या फिर मैक्रोफेज या फिर आपके नेचुरल किलर सेल्स जो टाइप 2 में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं? वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस ऑफ ग्राफ्ट वेसल्स। ग्राफ्ट किसे बोलते हैं? ग्राफ्ट, ग्राफ्ट किसे बोलते हैं? ग्राफ्ट होता है डोनर। ग्राफ्ट किसको बोलते हैं? डोनर को, कि जो डोनर की वेसल्स हैं, मतलब जो किडनी है, अभी किडनी की जो वेसल्स हैं उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस तो समझते हैं ना आप, वहां पे हाँ प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगी आपको, एरोज विद इन द ग्लोमेरुलस। ये देखें, ये देखें, ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये प्लाक फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस हो रही है उसकी वेसल्स में जो डोनर की, ये रेड रेड सी, ये देखें, ये वाली नजर आ रही है, ये वाली कि नहीं नजर आ रही? आ रही है नजर डॉक्टर यान काफी एनर्जेटिक है आज, है तो ये वेसल्स है, ठीक है। तो ये देखें आप, इनकी में क्या हुई पड़ी है? थ्रोम्बोसिस हुई पड़ी है। और जब थ्रोम्बोसिस होगी, तो मुझे बताएं, अगर यहां पे हो गया थ्रोम्बोसिस यहां पे, तो यहां से ब्लड गुजर कर यहां पे पहुंच सकेगा? नहीं। जब यहां पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो क्या हो जाएगा? इस्कीमिया। और इस्कीमिया के बाद क्या होता है? नेक्रोसिस। तो इस जगह पे क्या हो जाएगी आपकी? इस्कीमिया या फिर नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये वही दिखा रहा है एरोस पे, ये देखिए इस्कीमिया भी हुआ पड़ा है, नेक्रोसिस भी पड़ी है, थ्रोम्बोसिस ये सारा हुआ पड़ा है। ये हिस्टोलॉजी का उसकी पिक्चर है, ये अगर पहचानने को बोले जाए तो पहचान लेंगे, अगर एग्जाम में आ जाए तो पहचान लेंगे इसको, हैं? देख ले इसको, पहचान लेंगे आप लोग। अच्छा, ग्राफ्ट मस्ट बी रिमूव्ड। तो हमने जो ग्राफ्ट, जो डोनर का जो भी हिस्सा दिया है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज उससे क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होते रहेंगे, ठीक है। तो सही जा रहा है बच्चे, तो बहुत आगे जाएगा। तो जो ग्राफ्ट है ये वाला, अच्छा अच्छा हाँ, लेके जा तू, जा से यहाँ से। चले, ग्राफ्ट जो है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, जो हमने उसके अंदर जो चीज भी ट्रांसप्लांट किया उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव, अदरवाइज इन्फ्लेमेशन होती रहेगी। आई होप सो दैट कि आपको ये हाइपर एक्यूट समझ आ गया, मैं देख लूँ कोई चीज इसमें रहना गई हो। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट, ये होती है वीक टू मंथ्स, वो कहाँ हो रही थी? विद इन द मिनट्स, और ये वीक टू मंथ्स होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, वो क्या कह रहा है कि सेलुलर भी होती है, CD8 और CD4 पॉजिटिव टी सेल्स एक्टिवेटेड अगेंस्ट डोनर MHC टाइप 4, इसमें हाइपरसेंसिटिविटी होगी। और इसमें पता क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है। देखिए पहले ये डायग्राम दोबारा देख लें, जो मैं पहले कई बार बना चुका हूँ, एक बार फिर भी बना देता हूँ। हम कहते हैं कि ये मैक्रोफेज है, कोई भी एंटीजन आई, ठीक है, मैक्रोफेज को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी बोलते होते हैं ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अंदर आया, इसने MHC क्लास 2 के जरिए या MHC क्लास 1 के जरिए रिप्रेजेंट किया किसको? CD4 को या फिर CD8 सेल्स को, ठीक है, ये TCR के जरिए और CD3 के जरिए, याद है ना,
ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर ये अगर CD4 हो तो ये एक्टिव करता है टी हेल्पर सेल 2 को, और ये जाके एक्टिव करता है बी सेल्स को, जो क्या बनाता है फिर एंटीबॉडीज बनाता है, और एंटीबॉडीज इसकी एंटीजन की क्या करती है, किलिंग करती है। या फिर दूसरा क्या था, CD8 पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और CD8 पॉजिटिव एक्टिव होकर किसके जरिए, एपोप्टोसिस के जरिए, याद है, एपोप्टोसिस के जरिए किलिंग करते हैं। और अगर CD4 से बन जाए टी हेल्पर सेल वन, इससे क्या होता था, वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, शुक्र है याद हो गया, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगी। ये चीजें याद है सारी, ये डायग्राम याद है। चले मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ आप लोग के लिए, कि कोई भी एंटीजन आई, मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसको MSC क्लास 1 या 2 के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, CD4 को या फिर CD8 को। MSC 1 होगी तो कौन सा बनेगा, CD8। MSC 2 होगा तो कौन सा बनेगा, CD4। अच्छा, ये इनको TCR CD3 के जरिए लेगा, टी हेल्पर सेल 2 बनेंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की तरफ जाएगा, टी हेल्पर सेल 1 बनेंगे तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, CD8 बनेगा तो एपोप्टोसिस साइटोटॉक्सिन किलिंग होगी। ये समझ आ गया। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है ये आपकी जो एक्यूट है, एक्यूट ये कैसे होती है, वो कहता है जो डोनर था, कौन था डोनर था, जो डोनर था उसका कोई भी हमने जो ग्राफ्ट लिया है, किडनी है या कोई भी है, जो किडनी या ग्राफ्ट की जो एंटीजेंस है, अब जो किडनी है, जो आपका किडनी है, किडनी के अंदर अपने भी तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, किडनी के अपने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे। वो कहता है जो ग्राफ्ट है, जो डोनर है, वो अपनी ही एंटीजन को, किसको, अपनी ही एंटीजन को, ये एंटीजन भी उसकी ग्राफ्ट की अपनी होगी, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी ग्राफ्ट के अपने होंगे, ये MSC क्लास भी ग्राफ्ट की अपनी होगी। वो कहता है वो अपनी ही एंटीजन को, अपने ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जरिए, अपने ही MSC क्लास 1 एंड 2 के जरिए हमारा जो होस्ट है उसके टी सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आई बात, नहीं समझ आई, देखें ये जो एंटीजन है ये वाली, ये भी ग्राफ्ट की होगी, डोनर की होगी। ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये भी किसके होंगे, डोनर के होंगे, ग्राफ्ट के होंगे। ये जो MSC क्लास 1 है या 2 है ये भी किसकी होगी, डोनर की होगी या फिर ग्राफ्ट की होगी। लेकिन जो टी सेल्स है ये किसके होंगे, होस्ट के होंगे। अब समझ आ गई है, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। देखें हमने किडनी ट्रांसप्लांट की, ठीक है, जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट की है, किडनी के अपने क्या होंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, किडनी की अपनी क्या होगी, एंटीजन। अब ये किडनी डोनर की है, किडनी किसकी है, डोनर की, ग्राफ्ट, ग्राफ्ट बोलते हैं डोनर को, ये किडनी डोनर की है। अब हमने डोनर की जो किडनी दी है, अब उसी किडनी के अपने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उसकी अपनी एंटीजन है, वो किडनी, वो डोनर, वो अपनी ही एंटीजन को अपनी ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जरिए, अपनी ही MSC क्लास 1 एंड 2 के जरिए एक्सप्रेस करेगा, किसको, टी सेल्स को। लेकिन टी सेल्स अब किसके होंगे, होस्ट के होंगे, जिसके अंदर हमने किडनी डाला है। आप समझ आ गए, पक्की बात है डॉक्टर जुबैर, कि नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर, समझ आ गया, पक्की बात है। चलें जी डॉक्टर हमजा, चलें जी। तो जो होस्ट है वो क्या करेगा, अब क्या, या तो CD8 बन जाएगा एपोप्टोसिस के जरिए, इसकी क्या कर देगा, किलिंग कर देगा, या टी हेल्पर सेल 1 बन जाएगा और इसकी क्या कर देगा, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की तरफ, या फिर टाइप 2 इन्वॉल्व हो, सॉरी टाइप 4 इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन सी टाइप 4, टाइप 4 कौन सी है, ये वाली, सॉरी टाइप 4 सेलर, टाइप 4 दोनों होती है, TH1 भी होते हैं, CD8 भी होते हैं, टाइप 4 इन्वॉल्व होगी, या फिर ह्यूमरल रिस्पांस होगा, ये वाला ह्यूमरल रिस्पांस, ये एंटीबॉडीज बनेंगी और इसकी जाके क्या कर देंगी, किलिंग, किलिंग किसकी हो रही है, डोनर की हो रही है, किसकी हो रही है, डोनर की। अब डोनर की किलिंग हो रही है तो जो हमने किडनी दिया है उसकी क्या हो रही है, किलिंग हो रही है, तो ये हो गई ना आपकी रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। समझ आ गई है, पक्की बात है। तो यही बात वो कह रहा है, क्या कह रहा है, रिपीट कर दो, ये वाला एंटीजन आपकी किडनी का ही है, जो आपने चीज उसके अंदर ट्रांसप्लांट की है, जो डोनर है, जो ग्राफ्ट है, एज ए फॉरन बॉडी उसको लेता है, कि आपने किडनी बाहर से दिया है ना, अब किडनी अपने ही एंटीजन प्रेजेंट सेल्स के जरिए, अपने ही एंटीजन को एक्सप्रेस करेगा टी सेल्स को, कि ये लो,
ये फॉरन एंटीजन है। डॉक्टर जवेरिया नहीं समझ आ रहा। तो एक्सेप्शन कैसे हो रही है? एक्सेप्शन तो हो ही नहीं ना। डॉक्टर देखे ना, डॉक्टर जवेरिया देखे ना आप, देखे ना आप, ये आपका है, सॉरी ये आपका है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये डोनर के, ये डोनर के, ये होस्ट के नहीं है, ये डोनर के हैं। और ये जो एंटीजन है ये भी किसकी है? डोनर की है। डोनर का मतलब ये नहीं है कि अब खड़े हो जाओ डॉक्टर जबर, खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ डॉक्टर मुस्तफा। अब डॉक्टर मुस्तफा है पेशेंट आपका और डॉक्टर जुबैर क्या है? डोनर है। अब डोनर का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जुबैर की एंटीजन, नहीं, डॉक्टर जुबैर ने जो किडनी इसको दिया है उस किडनी की एंटीजन, उस किडनी के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, हाँ उस किडनी। अब डॉक्टर जुबैर ने किडनी दे, तुमने किडनी दे दिया, तुम बैठ जाओ, तुम फ्री हो गए। अब किडनी हमने दे दी है डॉक्टर मुस्तफा को, अब डॉक्टर मुस्तफा के अंदर किडनी चली गई है। अब डोनर का मतलब है वो किडनी जो डॉक्टर मुस्तफा के अंदर दी है, किसने दी है? डॉक्टर जुबैर ने दी है। अब हम उस किडनी को एज ए डोनर लेंगे, ठीक है। अब उसी किडनी के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसी किडनी की एंटीजन को, उसी किडनी की एंटीजन को लेंगे, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी अपने ही होंगे, उसकी एमएससी क्लास भी अपनी होगी, और वो एक्सप्रेस करेगी डॉक्टर मुस्तफा के अपने जो टी सेल्स थे, जो पहले वाले थे, उनको एक्सप्रेस करेगी। अब वो जो टी सेल्स हैं वो उनको एज ए फॉरन एंटीजन लेंगे कि ये मेरे लिए हार्मफुल एंटीजन आ गई है। ऐसे होता था ना, जब एमएससी क्लास उसको एक्सप्रेस होती थी तो आपके टी सेल्स एक्टिव हो जाते थे। अब टी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, और टी सेल्स एक्टिव हो गए या तो टी हेल्पर सेल 1 बन के ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करेंगे, या CD8 बन के एपोप्टोसिस करेंगे किडनी के सेल्स की। ये तो उसको एक्सेप्ट कहां कर रहे हैं, ये तो उसको मार रहे हैं किडनी के सेल्स को जो हमने किडनी दी है, या एंटीबॉडीज बना के उसी किडनी के सेल्स से किलिंग करेंगे। तो जो एंटीबॉडी, जो एंटीजन सेल्स हैं उनकी क्या हो रही है? किडनी हो रही है। नहीं समझ आया? आ गया समझ? डॉक्टर अभिया समझ आ गई है? डॉक्टर ईशा आपको समझ आ गई है? पक्की बात है? एक्सेप्ट तब करेगा जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, एज ए फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट नहीं करेंगे, जब मैचिंग हो रही होगी। जब मैचिंग, पहले हम मैचिंग करते हैं ना कि सेल्स दोनों को सेम होने चाहिए, अगर मैचिंग होगी तो एक्सेप्शन होगी, मैचिंग नहीं होगी तो रिजेक्शन होगी। और बाद में मैचिंग हो भी रही होती है फिर भी एक दो एंटीबॉडीज एंटीजन की वजह से क्या हो जाती है? रिजेक्शन हो जाती है। कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें मैच करना चाहिए ना पहले, कि वो नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, हाँ ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, और बाद में भी नहीं बननी चाहिए। ये यहाँ पर देखे बाद में बन रही है, ये एंटी, ये बन IgG ही रही है, इधर भी IgG बनेगी, इधर भी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होगी, सेम जो पीछे पड़ा है। लेकिन इस सूरत में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो पहले से बनी हुई नहीं है, ये बाद में बन रही है। लेकिन हम ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकते, हम ट्रांसप्लांट उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एंटीबॉडीज मौजूद है। क्योंकि हम उसको रिमूव करेंगे तो फिर आपकी एक्यूट हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। नहीं समझ आई? देखें 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 देखें, इसमें प्री एग्जिस्टिंग थी, आप कहते हैं हम इसको रिमूव कर दें फिर ट्रांसप्लांट कर दें, मैं कहता हूं नहीं। आप कहते हैं क्यों? मैं कहता हूं देखिए, अगर प्री एग्जिस्टिंग थी तो प्री एग्जिस्टिंग कहां से आई थी? मतलब पहले से हमने कोई ट्रांसप्लांट किया था, उसने क्या बना ली थी? एंटीबॉडीज बना ली थी, ठीक है, कोई ब्लड ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से हुआ था, एंटीबॉडीज बन गई थी। लेकिन एंटीबॉडीज होती तो स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक एंटीजन थी किडनी वाली, उसके लिए स्पेसिफिक एंटी, अगर इसकी शक्ल इस तरह की थी तो इस तरह की बन चुकी थी एंटीबॉडीज, तो ये तो इसके खिलाफ जाके बैठ जाएंगी। तो जब भी हम देंगे, लेट्स सपोज आप कहते हैं इनको हम निकाल लेते हैं, जो भी बनी है प्री एग्जिस्टिंग इनको हम निकाल लेते हैं, अगर हमने निकाल ली तो हमारी बॉडी के अंदर क्वालिटी है कि इस तरह की एंटीजन को देख के क्या बना ले? एंटीबॉडीज बना ले, वो दोबारा एंटीबॉडीज बना लेगी। अब एक्यूट वाला हो जाएगा, अगर हाइपर एक्यूट, अगर प्री एग्जिस्टिंग नहीं है तो हम दोबारा देंगे तो वो दोबारा तो बना लेगा, अब एक्यूट वाला केस हो जाएगा। समझ आ गई डॉक्टर जवेरिया?
चलें जी। यदि कोई एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा एंटीजन पे, एंटीजन डोनर जब एंटीबॉडी रिएक्ट किया है एंटीजन डोनर पे, उस चीज के फिर एक्सेप्टेड हो जाएगी। एक्सेप्शन कहाँ हो रही है? वो तो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, जो चीज किसी के ऊपर रिएक्शन दे रही है वो एक्सेप्शन कहाँ होगी? अगर वो उसको एंटीजन को पहचान ही ना, जैसे हमारी अपनी एंटीजन है बॉडी की, उसको वो पहचानते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते, दैट इज एक्सेप्शन। बट वो तो उनको पहचान के उनके खिलाफ क्या कर रहा है? रिएक्शन दे रहा है, दैट इज रिजेक्शन, नॉट एक्सेप्शन। समझ आ गई है? समझ आ गई है? बस आपने पता याद क्या रखना है, छोड़ दें सब सारी चीजों को, आपने याद क्या रखना है? आपने याद रखना है इसमें सेलुलर और इम्यूनल रिस्पॉन्स दोनों होते हैं। सेलुलर रिस्पॉन्स में CD8 पॉजिटिव टी सेल्स एंड CD4 पॉजिटिव टी सेल्स इन्वॉल्व होंगे अगेंस्ट डोनर MHC क्लास। कि जो MHC क्लास होगी वो किसकी होगी? डोनर की, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसके होंगे? डोनर के। एंटीजन भी किसकी होगी? डोनर की होगी। और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होंगे, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। और ह्यूमन रिस्पॉन्स सिमिलर टू हाइपर एक्यूट एक्सेप्ट एंटीबॉडीज डेवलप आफ्टर ट्रांसप्लांट। वहां पर प्री एग्जिस्टिंग थी, वहां पर क्या थी? प्री एग्जिस्टिंग, यहां पर ट्रांसप्लांट के बाद बनेगी, ठीक है। तो अगर हम ये प्री एग्जिस्टिंग रिमूव भी कर देना तो फिर एक्यूट रिजेक्शन हो जाएगी, कि बाद में क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी। डॉक्टर जवेरिया समझ आ गया? अच्छा, फाइनली ये है कि उसको जो आप किडनी दे रहे हैं वो आप उसको मैच करें, उसको आप मैच करें किडनी को। किडनी मैचिंग का क्राइटेरिया यही है कि आपकी जो एंटीजेंस हैं वो आपकी जो एंटी, इनके प्रॉपर है ना, वो होते हैं ना टेक्निक्स होती है कि आप जो किडनी दे रहे हैं उसके अंदर जो एंटीजेंस है, कीप इन माइंड कि होस्ट की बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बना ले। तो इस चीज को आप क्रिटेरिया को मैच रखना है कि इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इस क्रिटेरिया को आपने मेंटेन रखना है। देखिए, वैस्कुलाइटिस ऑफ ग्राफ्ट, आप उसकी जो ग्राफ्ट की जो वेसल्स है, जो डोनर की वेसल्स है, उनमें वैस्कुलाइटिस यानी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी विद डेंस इंटरस्टिशियल लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेट, मतलब उसमें रैशेस वगैरह हो जाएंगे स्किन के ऊपर, इस तरह का वो हो जाएगा। प्रिवेंट रिवर्स विद इम्यूनोसप्रेसेंट्स, अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स देंगे, या हम फार्माकोलॉजी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इसकी, अगर हम वो ड्रग्स देंगे तो वो इन टी सेल्स को, बी सेल्स को, जो भी बने हुए हैं उनको जाके सप्रेस कर देगी, तो वो अपने एक्शन शो नहीं करेंगे। तो इस तरह एक्सेप्शन भी हो सकती है। अगर हम अगर हल्की फुल्की रिजेक्शन है तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे, उससे वो जो रिजेक्शन है वो एक्सेप्शन की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज है जो भी बन रहा है वो हल्की सी सप्रेस हो जाएगी, इम्यून सेल्स क्या हो जाएंगे? सप्रेस हो जाएंगे। समझ आ गई है? चलें जी, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं क्रोनिक, कि क्रोनिक जो रिजेक्शन होती है वो कैसे होती है। सिंपल सा है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? उसमें जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे वो किसके थे? यहां पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे वो किसके होंगे? रेसिपिएंट्स के होंगे, बाकी सारा सेम होगा। कैसे? कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये आपके टी सेल्स हैं, ये आपके बी सेल्स हैं, ये एंटीजन है। एंटीजन अभी भी आपके किसकी होगी? ग्राफ्ट की होगी, आपके डोनर की होगी, जो किडनी आपने ट्रांसप्लांट किया है उस किडनी की होंगी। लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आप किसके हैं? होस्ट के। हाइपर एक्यूट में किसके थे? एक्यूट में किसके थे? डोनर के थे। अब किसके हैं? होस्ट के। टी सेल्स किसके होंगे? ये भी ऑफ कोर्स होस्ट के होंगे। तो ये एंटीजन को पकड़ेगा, इसको MHC क्लास के जरिए एक्सप्रेस करेगा, और टी सेल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव। एक्टिव हो गए, इसकी क्या करना कर देंगे? किलिंग शुरू कर देंगे, हो गई ना रिजेक्शन। लेकिन फर्क क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यहां पर किसके हैं? होस्ट के हैं। आई समझ के नहीं? आगे समझ चले। और ये क्या होती है? मंथ्स टू ईयर्स होती है, और इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगी सेम उसी तरह, टाइप 4 भी और टाइप 2 भी, टाइप 4 भी और टाइप 2 भी, यानी एंटीबॉडीज भी बनेगी IgG या फिर CD8 या फिर TH1 की से उसी की रिजेक्शन भी होगी। समझ आ गई है? चले रीडिंग करते हैं। CD4 पॉजिटिव टी सेल्स रेस्पॉन्ड टू रेसिपिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंटिंग डोनर पेप्टाइड्स। जो पेप्टाइड्स हैं, जो एंटीजेंस हैं, वो डोनर की हैं, लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रेसिपिएंट के हैं, और CD4 भी किसके हैं? रेसिपिएंट्स के हैं, इंक्लूडिंग एलोजेनिक MHC क्लास। MHC क्लास भी किसकी होगी? ऑफ कोर्स अपने होस्ट की होगी। बोथ सेलुलर एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स दोनों होंगे, सेलुलर होगा तो टाइप 4 होगी, सेलुलर होगा तो टाइप, और ह्यूमन होगा तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होंगे। समझ आ गया? पक्की बात है। चले इसके
ये देखिए जरा, रेसिपेंट टी सेल्स रिएक्ट एंड सेक्रेट साइटोकाइंस, ये पता किस तरफ जा रहा है? ये वही जा रहा है कि अगर टी हेल्पर सेल वन बनेंगे, कौन से टी हेल्पर सेल वन बनेंगे, तो टी हेल्पर सेल वन कौन से साइटोकाइंस रिलीज करते थे? इंटरफेरॉन गैमा, ये वही मैक्रोफेज, वही एपिथेलियल सेल्स, वही वॉल ऑफ, वही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्ट, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, याद है? ये उसी की तरफ बात कर रहा है, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। पैरेंकाइमल एट्रॉफी होगी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, बस ये हम इसको डिटेल में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप बस देख लेंगे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के आपके जो है ना, ये फाइब्रोसिस ही हो जाएगी, उसके राउंड राउंड सारी क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगी इसके, पैरेंकाइमल एट्रॉफी होगी, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, पता है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस हैं, पैंक्रियाज में जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ठीक है, उनमें जो है ना वो फाइब्रोसिस बन जाती है, फैट्स वगैरह बन जाते हैं। चलें डिटेल में आप याद ना देखें, ज्यादा डीप ना जाए, आप सिर्फ याद कर लें कि इससे क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स होगी, पैरेंकाइमल एट्रॉफी होगी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, और ये क्या होती है इनको डिटेल में हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और डोमिनेटेड बाय आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये तो आपको पता होगा कि उसमें क्या हो जाएगी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आपकी जो आर्टरीज हैं वो थिक और स्टिफ सी हो जाएंगी, उनमें जो है ना वो नर्विंग सी हो जाएंगी, ठीक है। ऑर्गन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है इसमें, मतलब कौन कौन से ऑर्गन जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं, क्रोनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी, आपको ये हो जाएगी, आप अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया है, ये एलोग्राफ्ट क्या होती है कि आपने एक ही स्पीशीज, स्पीशीज सेम थी किसी एक स्पीशीज के किसी और इंडिविजुअल से, ये भी एक बंदा है, ये भी एक बंदा है, दोनों ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, लेकिन दो है, इसकी आपने कोई चीज उठा के इसको दी है, दैट इज कॉल्ड एलोग्राफ्ट। और एक होती है ऑटोग्राफ्ट, वो होती है कि इसी बंदे की किसी और चीज को उठा के इसी बंदे की किसी और चीज में लगाना, वो होती है ऑटोग्राफ्ट, ठीक है, समझ आई है ये बात, समझ आई है? तो ये होती है कि आपके इसमें क्रोनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी, यानी आपके जो ट्यूब्यूल्स होती है नेफ्रॉन की, वो इन्वॉल्व होंगी, यानी आपका नेफ्रॉन इन्वॉल्व होगा, आपकी किडनी, किडनी का कारगर इसमें स्पेसिफिक होगा। उसके बाद ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिट्रियंस, इसमें आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो वो आपका ये वाला ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। एक्सेलरेटेड आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, ये आपको पता है हार्ट की रिएक्शन, ये हो सकती है। और वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम, आपके जो लीवर की जो बाइल डक्ट्स है वो लॉस हो सकती है, मिस हो सकती है, मिसिंग हो जाएगी, लॉस हो जाएंगे इन्फ्लेमेशन की वजह से, उनमें हो सकता है, ठीक है। बाकी आपने सिंपल बस इनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं इनकी, वो ये चार है। डिटेल में हम इनको उधर ही देखेंगे पैथोलॉजी में कि ये क्या होती है। नेक्स्ट है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। अब ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज क्या होती है, ये वेरीज होती है कि जल्दी भी हो जाती है, लेट भी हो सकती है, किसी भी इसके अर्से का पता नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्राफ्टेड इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स प्रोलिफरेट इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट एंड रिजेक्ट होस्ट सेल्स विद फॉरेन प्रोटीन्स, सीवियर ऑर्गन डिसफंक्शन। क्या मतलब है इस बात का, आपको क्या समझ आ रहा है डॉक्टर जुबैर, ये लाइन पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है? मैं बता देता हूं कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट वो सेल होते हैं जो मेच्योर बी एंड टी सेल्स है, रेडी फॉर द किलिंग। इम्यूनो कॉम्पिटेंट वो सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेच्योर बी एंड टी सेल्स, मेच्योर इम्यून सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं मैच्योर, मैच्योर इम्यून सेल्स, मैच्योर इम्यून सेल्स है, ये मैच्योर है, ये एक्टिव है, ये रेडी है किसी चीज को मारने के लिए, किलिंग करने के लिए, एक्टिवेटेड है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट सेल्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है ये वीक है, ये क्या है, ये वीक है, नॉट मच एक्टिव, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो वीक होता है वही कॉम्प्रोमाइज करता है बेचारा, है जो बेचारा मजबूर होता है वही कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसने क्या, वो क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो वीक है बेचारे, उनको जरूरत है उनकी, वो क्या हो गए, वीक हो गए, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है। अब बताएं आप, अब बताएं कि ग्राफ्ट का आपको पता है जो होस्ट होता है, जो डोनर होता है, और होस्ट के इम्यून कॉम्प्रोमाइज है। अब इस लाइन को पढ़ें आप कि ग्राफ्ट, सॉरी, ग्राफ्टेड इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स प्रोलिफरेट इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट एंड रिजेक्ट होस्ट सेल्स विद फॉरेन प्रोटीन्स, सीवियर ऑर्गन डिसफंक्शन। क्या समझ आया, मतलब जो डोनर के बी एंड टी सेल्स है वो एक्टिवेट फॉर्म है, तो वो जाकर होस्ट के ही सेल्स की डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। वेरी गुड डॉक्टर जुबैर, ये था आपके पास डोनर, डोनर की किडनी थी, क्योंकि हम किडनी की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो किडनी को पकड़े हुए हैं।
इसके अंदर जो बी एंड टी सेल्स थे वो इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स थे, वो क्या थे, एक्टिव थे। जो इसके अंदर बी एंड टी सेल्स थे, इम्यून सेल्स इसकी किडनी में, वो क्या थे, एक्टिव थे। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, एक होस्ट सा, होस्ट था, रेसिपिएंट था। इसके अंदर जो बी एंड टी सेल्स थे वो क्या थे, वीक से थे, वो कंप्रोमाइज कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कंप्रोमाइज कर रहे थे। अब जब हमने इसको बॉडी के अंदर रिजेक्ट कर दिया, इस बंदे के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसके अंदर हमने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया, जब ये अंदर जाएंगे तो ये तो है एक्टिव, ये कंपिटेंट है, ये लड़ना चाहते हैं, ये इन्हीं बी एंड टी जो कि वीक कंप्रोमाइज सेल्स है इनको लेंगे एज ए एंटीजन। कौन एज एंटीजन ले रहे हैं आप, जो डोनर के सेल्स हैं वो इनको एज ए एंटीजन लेंगे, और इनको एंटीजन लेकर मारेंगे कैसे, इन बी एंड टी सेल्स से। और ये बी एंड टी सेल्स फॉरेन प्रोटीन्स हैं, फॉरेन एंटीजन हैं, फॉरेन एंटीबॉडीज हैं। ये बी एंड टी सेल्स फॉरेन है कि और के अंदर वाले हैं, ये होस्ट के पहले वाले हैं कि फॉरेन वाले हैं, फॉरेन वाले हैं, ऑफकोर्स बाहर से आ रहे हैं, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है किसी भी इंफेक्शन की वजह से, उसके इंफेक्शन हुआ तो वो क्या थे, एक्टिवेटेड थे। अब एक्टिवेटेड किन के खिलाफ है, इन्हीं बी एंड टी जो वीक कंप्रोमाइज्ड है इनके खिलाफ एक्टिवेट है, इनको एज ए एंटीजन लेंगे और क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज जो भी होता है वो बहुत सारा प्रोसेस करके और ये इसकी क्या कर देंगे, किलिंग कर देंगे। इसे कहते हैं ग्राफ्ट, ग्राफ्ट का मतलब डोनर वर्सेस होस्ट। ग्राफ्ट और होस्ट के दरमियान क्या हो रही है, डिजीज हो रही है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। समझ आ गई ये बात, अब डोनर जो है ना उसको क्या, ये एक किस्म की रिजेक्शन इस तरह की है, डिफरेंट है, एक्यूट हाइपर एक्यूट और क्रोनिक रिजेक्शन से ये डिफरेंट है। इसमें जो आपके डोनर के सेल्स हैं, किसके डोनर के सेल्स, वो जो है आपके रेसिपिएंट है जो होस्ट है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। डोनर के जो एक्टिवेटेड बी एंड टी सेल्स हैं वो होस्ट के जो वीक सेल्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सेल्स हैं उनकी किलिंग कर रहे हैं, उनको जाके मार रहे हैं। अब प्रॉब्लम होस्ट के जो सेल्स हैं उनके अंदर होगा, अब जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, बल्कि होस्ट के अपने सेल्स मार रहे हैं, उसके अपने बी एंड टी सेल्स की क्या हो रही है, किलिंग हो रही है। हाँ, जैसे एचआईवी आके हमारे इम्यून सेल्स को मार रहा है, मतलब ये आके हमारे इम्यून सेल्स को मारना शुरू कर देगा। नहीं समझ आई, अब मैं फिर वही बोलूंगा, समझ दे, मैंने भी नहीं आई लेकिन मजाक करता हूँ, समझ आ गई है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, साफ कर दो इसको। चले जी, ग्राफ्टेड इम्यून कंपोनेंट टी सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट करते हैं इन इम्यून कंप्रोमाइज्ड होस्ट एंड रिजेक्ट होस्ट सेल्स विद फॉरेन एंटीजन। अगर इस सूरत में आपका जो होस्ट है उसके सेल इम्यून कंप्रोमाइज नहीं है, वीक नहीं है, वो एक्टिव है, तो फिर उनकी किलिंग नहीं होगी, फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज नहीं होगी। अगर वो इम्यून कंप्रोमाइज्ड है तो फिर होगी। रिजेक्ट होस्ट सेल्स विद फॉरेन प्रोटीन्स सिवियर ऑर्गन डिसफंक्शन, तो इससे ऑर्गन की जो डिसफंक्शन है वो सिवियर टाइप की हो जाती है, वो अपना काम नहीं कर पाता। भाई मैं जो कह रहा हूँ, फॉरेन प्रोटीन जो इम्यून बी एंड टी सेल्स थे या फिर कोई भी साइटोकाइंस वो रिलीज करेंगे वो फॉरेन साइटोकाइंस होंगे ना, फॉरेन प्रोटीन होंगे। और इसमें कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, टाइप 4 इन्वॉल्व होती है, ठीक है, मतलब CD8 या TLPRSL1 वाली, वो वाला प्रोसेस होगा, सेलुलर प्रोसेस होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैक्यूलो पैपुलर रैश, इसके आपकी स्किन के ऊपर एक उभरे से रेडिश से दाने बन जाते हैं, ठीक है, जॉइंटस आपको हो जाएगी, डायरिया, हिपेटोस्प्लेनोमेगैली आपको हो जाएगी, यूजुअली इन बोन मैरो एंड लिवर ट्रांसप्लांट्स, इनमें ये ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि आपका बोन मैरो और लिवर रिच इन लिम्फोसाइट्स होते हैं और हम मार भी लिम्फोसाइट्स को रहे हैं ना, तो ये होता है। पोटेंशियली बेनिफिशियल, क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियली बेनिफिशियल इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर ल्यूकीमिया, ठीक है, और ये उसमें बेनिफिशियल होता है ल्यूकीमिया की शक्ल में। हमने ल्यूकीमिया में क्या होता है कि आपके जो बोन मैरो के सेल्स हैं हमने उनको मारना है, बोन मैरो को जो ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया कि आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। व्हाइट ब्लड सेल्स बनते कहाँ पे हैं, बी एंड टी सेल्स, बोन मैरो में, याद है, बोन मैरो में बनते हैं। अब यहाँ पर ये ज्यादा बने हुए हैं बी एंड टी सेल्स, हमने इनकी क्या करनी है, किलिंग करनी है, तो हम ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे कि बाहर वाली चीज आकर हमारे जो बी एंड टी सेल्स उनकी क्या कर देंगे, किलिंग, जो बी एंड टी सेल्स बड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे, कम। तो इस तरह हम ल्यूकीमिया में इसको यूज करते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस ट्यूमर। यहाँ पे आप ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट नहीं करेंगे, ग्राफ्ट वर्सेस ट्यूमर इफेक्ट इसको बोलते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम ट्यूमर का गेस्ट कर रहे हैं ना, कैंसर का गेस्ट कर रहे हैं ना, कि नहीं समझ आई डॉक्टर हमजा? अच्छा, फॉर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स इरिटेट ब्लड प्रोडक्ट्स प्रियर टू ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट, उनको जो है ना ब्लड प्रोडक्ट्स का एक्सपोज कराएं, जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक्सपोज कराएं ट्रांसप्लांट करने से पहले, अगर वो उन ब्लड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट शो कर देते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, तो उनको आपने ट्रांसप्लांट नहीं करना, और अगर वो नहीं करते उसके खिलाफ एक्शन शो नहीं करते तो आपने उनको ट्रांसप्लांट कर देना है। और ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज GVHD होते हैं, ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज, ये लाइन समझ आई है लास्ट वाली है डॉक्टर जुबैर? नहीं समझ आई, क्या समझ आई है डॉक्टर यान? एक सेकेंड डॉक्टर यान को समझ आ गई डॉक्टर यान मैंने ये कहा है कि अगर आप किसी पेशेंट को कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, ठीक है, ये डोनर था, ये आपका होस्ट था, रेसिपिएंट था, आपने इस रेसिपिएंट को पहले ब्लड प्रोडक्ट्स इरिडिएट का मतलब होता है उसको एक्सपोज करनी है, ब्लड प्रोडक्ट्स पहले एक्सपोज करें जो कि सेम आपके डोनर की, जो आप उसको दे रहे हैं कोई चीज कोई ऑर्गन दे रहे हैं सेम उसी तरह के हो, इसको एक्सपोज करें होस्ट को। अगर होस्ट के अंदर है इम्यूनो कम्प्रोमाइज सेल्स तो वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज शो करेंगे, लेकिन हल्की शो करेंगे, तो अगर वो शो कर रहा है तो आप उसको वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो शो नहीं कर रहा तो फिर आप डोनर से वो ऑर्गन लेके इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे ताकि वो, क्योंकि वो नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, आप समझ आ गई है? मैचिंग है, किस्म की मैचिंग है, समझ आ गई है? इस पूरे में आपको कोई क्वेश्चन हो जो आप लोगों को समझ ना आई हो इस एक्यूट हाइपर एक्यूट क्रोनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में, है? अपने ही डोनर के वहां पे एक्टिव नहीं होंगे, वहां पे आपके होस्ट के एक्टिव होंगे, ठीक है, क्योंकि डोनर को वहां पे एंटीजन नहीं मिल रही। यहां पर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में डोनर इम्यून कम्प्रोमाइज सेल्स को एज ए एंटीजन ले रहे थे, वहां पर ना उनको कोई एंटीजन हार्मफुल नजर आएगी ना वो एक्टिव होंगे, ठीक है। बेसिकली जो डोनर के सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में आके बाहर वाले कैसे एक्टिव हो सकते हैं? अगर पहले से एक्टिव हो तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज काज करेंगे, अदरवाइज वो कैसे एक्टिव होंगे? उनको अगर कोई एंटीजन मिलेगी तो वो एक्टिव होंगे, उनको कोई हार्मफुल एंटीजन मिलेगी ही नहीं तो वो एक्टिव कैसे होंगे? समझ आ गई है कि नहीं? कोई और सवाल? मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूजिंग सा था आप लोगों के लिए, है ना? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज नहीं समझ आया? समझ आ गया, बस इसमें रिजेक्शन हो रही है, बस ये माइंड में रखना आपने, रिजेक्शन हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दे मुझे, अगर सारा दोबारा पढ़ाना है तो मैं सारा दोबारा पढ़ाने को भी तैयार हूं। समझ आ गई है? पक्की बात है। मैचिंग का क्रिटेरिया आप ये समझ लें कि पहले हमने मैच करना है, बस वो माइंड में ना लेके आए कैसे मैच करेंगे कैसे मैच नहीं होगा, उसको छोड़ दे, वो एक अलग चीज होगा, अलग अलग करके हम उसको पढ़ेंगे, वो लैब टेक्निक्स है, वो हमने अलग पढ़नी है, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि बस ये रिजेक्शन हो रही है और कैसे हो रही है, दैट्स इट। समझ आ गया? पक्की बात है, समझ आ गया? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।